बिहार में डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कराया जाता है, उसका नाम है कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसको बीपीएससी का एग्जाम भी कहा जाता है। इसके अलावा उसे स्टेट सर्विस एग्जाम भी कहा जाता है। यह एग्जाम 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। ये तीनों फेज आपको एक साथ क्लियर करना होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे उसमें फाइनली पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने होंगे। मेंस एग्जाम में जब आप पास हो जाएंगे तो जाकर के आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद फिर जाकर के अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो जाकर के रिजल्ट में आपका नाम आएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आप पास होंगे। अब एक और छोटी चीज ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें केवल आपको पास होना है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। आपको देना है मेंस और इंटरव्यू काफी गंभीरता के साथ और बहुत अच्छी तैयारी के साथ देना होगा, क्योंकि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों के नंबर जोड़ करके फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं, और उसके बाद ही आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं यहां से पता चलता है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाए। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो प्रीलिम्स एग्जाम में एक ही पेपर होता है। ज्यादातर से हमने देखा हुआ है कि जैसे कि दूसरे जो राज्य हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, लेकिन बिहार में यह एक ही फेज में कंप्लीट होता है और इसमें केवल एक ही पेपर होता है, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो 150 नंबर के होते हैं। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ये ऑफलाइन होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। मतलब ये है कि आप सभी क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं, गलत क्वेश्चन के बदले आपके सही क्वेश्चन के नंबर नहीं कटेंगे, ये इसकी सबसे खास बात है। प्रीलिम्स एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेने के बाद आपको बीपीएससी मेंस देना होगा, जिसमें आपको लगभग 2 से 2.5 महीने का समय मिलता है, और ये जनरली ऐसा होता है। अब इसके टाइम ड्यूरेशन में कुछ कमी या अधिकता हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कमीशन क्या चाहती है। अब इसके बाद बात करें इसके पेपर्स के बारे में, तो इसमें 4 पेपर होते हैं। इसके अलावा पेपर में जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है, लिमिट वर्ड्स बता दिए जाते हैं। अब इसके बाद ये भी जाने कि इसमें जो 4 पेपर की बात कही गई है उनमें से एक पेपर ऐसा है जो क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको पास होना है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसके बाद जो बाकी 3 पेपर है उनके जो टोटल मार्क्स है वो 900 है। इसके बाद ये भी कि ये जो पेपर है वो ऑफलाइन होता है। अब इसके बाद जब आप बीपीएससी के मेंस एग्जाम में फाइनल सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू के नंबर्स के बारे में बात करें तो इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 120 है। अब बात करें तो मेंस में जो पेपर है, हमने कहा कि एक पेपर क्वालिफाइंग है, वो पेपर है जनरल हिंदी का, ये पेपर क्वालिफाइंग है और ये 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय होता है, और इसमें कम से कम आपको 30 मार्क्स लाने ही होंगे। इसके बाद वो 3 पेपर हैं, ये जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड, और उसके बाद है ऑप्शनल पेपर। इसमें आपको सभी के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये तो एग्जाम पैटर्न था, अब प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस एग्जाम के क्या सिलेबस है, इसके बारे में भी आप जाने रहे, उसी हिसाब से आपको अपने नोट्स रखने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, बुक लेनी होगी। तो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले तो आपसे समान अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समान अध्ययन का मतलब है कि यहाँ पर आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडिया के लेवल का, वर्ल्ड लेवल का और बिहार के लेवल का, ये तीनों ही लेवल के पूछे जाएंगे। साइंस पूछा जाएगा, एनवायरमेंट पूछा जाएगा, और करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट है उनमें से प्रीलिम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस में कहा गया है कि आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, इसके अलावा है अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर राष्ट्रीय लेवल का, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, इसके अलावा आपके राज्य स्तर का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, याद रहे विशेषताएं कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किताब या कॉपी पे विशेषताएं लिखा मिले तो आप केवल उसे याद करें। आपको डेट याद करनी होगी, क्या हुआ, क्यों हुआ,
सभी के कारण पता होना चाहिए, एक सीरियल क्रम पता होना चाहिए, इतिहास से संबंधित और बिहार से संबंधित भी। अब इसके बाद आगे सिलेबस में कहा गया है कि आपको सामान्य भूगोल में बिहार के प्रमुख भौतिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रीलिम्स में आपसे सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न भी दिए जाएंगे और वह पूछे जाएंगे, जो कि जनरली आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि प्रीलिम्स में मैथ्स भी आते हैं और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को जरूर सॉल्व करें। इससे ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और उन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, वो समझ में आते हैं या नहीं। इसके अलावा ये भी है कि आप उसके पैटर्न को समझ पाए। फिर आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। मेंस एग्जाम में कहा गया है कि उसमें 4 पेपर होंगे और 1 पेपर क्वालिफाइंग है, जनरल हिंदी। सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या कहा गया है। सिलेबस में कहा गया है कि आपसे निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, इस 4 टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निबंध आएगा आपके 30 नंबर का। इसके अलावा जो व्याकरण है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 30 नंबर के होंगे। वाक्य विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 25 नंबर के होंगे और जो संक्षेपण होगा वो 15 अंक का होगा। टोटल 100 नंबर का हो गया, जिसमें से 30 नंबर लाना कंपलसरी है। बात करते हैं GS1 की, कि GS1 में किस टाइप के क्वेश्चन और किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सिलेबस में कहा गया है कि आपसे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र पूछा जाएगा। इसके अलावा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। इसके अलावा GS2 है, जिसमें कहा गया है कि आपसे भारतीय राज व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। इसके अलावा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। आप देख रहे होंगे कि GS1 में आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, करेंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा GS2 जो है उसमें कहा गया है कि आपसे पॉलिटी, इसके अलावा जियोग्राफी और इकोनॉमी, इनके क्वेश्चंस होंगे, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग ज्यादातर से जो सब्जेक्ट है वो GS2 में है। अब इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के चौथे पेपर की, जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ये लिस्ट दिया हुआ है और इस लिस्ट में जिन जिन सब्जेक्ट के नाम है, इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसमें कहा गया है कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि। इसके अलावा है विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंध, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिक, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र। इसके अलावा है प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य। इसके अलावा है बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य। इसके अलावा है पाली भाषा और साहित्य। इसके अलावा है पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र है। इसके अलावा है भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत, अरबी, मैथिली। इन सभी भाषा से रिलेटेड आप साहित्य ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके मेंस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट होता है।